0.27 बिटकॉइन एवरी मंथ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कमाल का प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप फ्री में 0.27 बिटकॉइन कमा सकते हैं। इस समय अगर आप इंडियन रुपीज में प्राइस देखते हो तो लगभग 68,000 के आसपास का अमाउंट बनता है। तो गाइस, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे ये प्रोग्राम काम करता है, किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है और कैसे आप फ्री में बिटकॉइन कमा सकते हैं इस सिस्टम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके से अपडेट मिल पाए और ऑनलाइन सेक्टर में आप इसी तरीके से रियल में एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाएँ। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रोग्राम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और कैसे आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉइनपुट के बारे में। कॉइनपुट एक बिटकॉइन माइक्रोफोसेट वॉलेट है जो मल्टीपल क्रिप्टोकरेंसी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पे कॉइनपुट टोकन भी मिल जाएगा जिसकी अभी बिटकॉइन में कीमत है 2.7 सतोसी, और ये जो टोकन होगा सिर्फ इसी वॉलेट में आपको मिलेगा। इसको आप किसी भी क्रिप्टोकरेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और टोटल आपको यहाँ पे 5 क्रिप्टोकरेंसी मिलती हैं जिसमें है बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन और डैश कॉइन। दोस्तों, कॉइनपुट के ऊपर एक आर्टिकल भी मैं लिख चुका हूँ। कॉइनपुट आपको इंस्टेंट पेमेंट की सर्विस प्रोवाइड कराता है फोसेट के लिए। यहाँ पे गाइस, कॉइनपुट ने अपनी सर्विस लॉन्च करी थी जुलाई 2017 को। रेगुलर ये 3 साल से अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। कई सारे लोग यहाँ से काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट है कि काम कैसे करता है और किस तरीके से आप टोकन अर्न कर सकते हैं, प्लस आपको जो बिटकॉइन मिलेगा या बिटकॉइन कैश मिलेगा या अदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप किस तरीके से क्लेम करेंगे। दोस्तों, इस वेबसाइट में आपको काम करने के लिए जो फोसेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके लिंक के मैंने ऑलरेडी दे दिए अपने ब्लॉग पे। लगभग यहाँ पे 7 फोसेट साइट मैंने लिस्ट करी हुई है जिन पे आप विजिट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। एवरी 5 मिनट में आपको क्लेम करना है। और आपको अर्निंग कैसे आएगी इन फोसेट से, क्योंकि फोसेट जो रहता है गाइस वहाँ से काफ़ी कम अमाउंट आपको मिलता है। ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मेरे कुछ रिसेंट ट्रांजेक्शन हुए हैं और ये जो अमाउंट है मेरे को रेफ़ल के जरिए मिला हुआ है। ओके, मेरे किसी रेफ़ल ने यहाँ पे 74 सतोसी क्लेम किया है मून बिटकॉइन पे। उसके बदले मेरे को यहाँ पे 37 सतोसी मिला है। इसके अलावा मेरे को वन टोकन इस तरीके से मिला है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए कि काफ़ी कम अमाउंट होता है जो आपको मिलता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है ओके, जिसका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब आप अर्निंग कैसे करेंगे, 0.27, ये पॉइंट पे मैं आता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है टोकन का। ओके, टोकन को आप किसी भी क्रिप्टोकरेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, बिटकॉइन कैश हो, डॉज कॉइन हो, लाइट कॉइन हो, डैश कॉइन हो। यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी हाल ही में इसने अपना एक चैलेंज लॉन्च किया है जिसमें आप 10 मिलियन के आसपास कॉइनपुट टोकन अर्न कर सकते हैं। और इसका जो ये प्लान है, ये जो कॉन्टेस्ट है, ये मंथली बेस पे काम करता है। यानी कि गाइस, अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपका अच्छा टीम है और आप अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे लगभग 50 यूजरों को ये अमाउंट देता है कॉइनपुट टोकन का। ठीक है, जिसमें जो पहले नंबर पर आता है बंदा उसको लगभग 10 मिलियन के आसपास कॉइनपुट टोकन दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो बंदा आएगा उसको लगभग 5 मिलियन के आसपास कॉइनपुट टोकन दिए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे लगभग 25 सीरीज तक कुछ नंबर दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप आते हैं तो इस अमाउंट को इस तरीके से विन कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 कॉइनपुट टोकन की जो कीमत है वो लगभग 2.7 सतोसी के आसपास है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं 10 मिलियन के अमाउंट को तो यहाँ पे जो अमाउंट आपका बनता है गाइस वो लगभग बनता है 0.27 बिटकॉइन के आसपास, जो कि आपका है 965 US डॉलर के आसपास। ओके, दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे कई सारे यूजर आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी कॉइनपुट में ज्वाइन कर चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि यार हम कैसे अर्न करेंगे ये जो कॉइनपुट टोकन है। मान लो अगर आप पहले रैंक पे नहीं आ पाते हैं, दूसरे रैंक पे नहीं आ पाते हैं, तो गाइज यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रखी गई है। मतलब बहुत ही अच्छा अपडेट इसने दिया है कॉइनपुट ने। सो गाइस, यहाँ पे ये जो प्लान है काफ़ी बेहतरीन मेरे को लगा है पूरा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। गाइस, अभी आप जो भी फोसेट क्लेम करते हैं उसके बदले में आपको सतोसी मिलते हैं प्लस टोकन मिलते हैं एवरी क्लेम के। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप डेली के 100 फोसेट भी क्लेम करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगे 100 टोकन, राइट। इसके अलावा अगर आप मंथली बेसिस पे यहाँ पे 1000 का टारगेट कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 टोकन मिलेगा मंथली बेसिस पे। ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिलेगा इस तरीके से। गाइज, इसने यहाँ पे 5 नंबर तक के कुछ स्टार रखे हुए हैं जिसमें अगर आप पहले नंबर पर आते हो तो कुछ आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, सेकंड नंबर पे कुछ एक्स्ट्रा बोनस। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट यहाँ पे 5 लेवल तक इसने रखे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे रेफरल का अमाउंट भी आपको मिलता है। अगर आपका रेफरल यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्टिविटी करता है तो उसके बदले में भी आपको कुछ टोकन मिलते हैं। मान लो अगर आपका रेफरल यहाँ पे 10 फोसेट क्लेम करता है तो उसके बदले में 100। तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है, डिफरेंट डिफरेंट टोकन है जो आपको रिसीव होंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे काम करता है और किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो था यहाँ पे इसका चैलेंज है कि कैसे आपको यहाँ पे
10 मिलियन तक के कॉइन पुट टोकन विन करने का चांस ये देता है अगर आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप बिटकॉइन कैसे क्लेम करेंगे, किस तरीके से कमाएंगे और ये जो टोकन है कॉइन पुट के उसको अर्निंग करने के लिए आपको करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट होगा उसमें आपका जो मेल आईडी होगा उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ओके वो कैसे? दोस्तों ये जो कॉइन पुट सिस्टम है ये एक माइक्रो फोसेट है। ओके तो यहाँ पे कुछ आपको फोसेट साइडों की लिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपडेट करी हुई है। लगभग 7 टाइप की फोसेट साइडें मैंने यहाँ पे दी हुई है आपको। पहली जो नंबर पे आती है वो आती है विटफन, सेकंड है मून बिटकॉइन और थर्ड है मून बिटकॉइन कैश, मून लाइट कॉइन, मून डैश कॉइन, मून डॉज कॉइन और बोनस बिटकॉइन, ये साइडें हैं। कई सारी साइडों में हो सकता है आपने पहले भी काम किया हो मगर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके बाद आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे विटफन की। आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, ये जो बैनर आपको मिलेगा इसमें आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप बैनर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। गाइज एवरी 3 मिनट में आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाएगा आपको। आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर का जो ऑप्शन होगा इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे आपका मेल आईडी मांगेगा और उसी मेल आईडी से आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है जो मेल आईडी आपने कॉइन पुट में यूज करी थी। क्योंकि गाइस यहाँ पे मेल आईडी का बहुत अच्छा रोल है, आपको यहाँ पे किसी भी वॉलेट एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है कॉइन पुट के वॉलेट में तो ये जो अमाउंट होगा ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे जिस मेल आईडी का यूज किया है वो है GSK मोड। ओके इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, फिर से आपको रिपीट करना है, ह्यूमन वेरिफिकेशन कैप्चा आपको सॉल्व करना है, टर्म एंड कंडीशन इसका एक्सेप्ट करना है और आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड में क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से गाइस आपका जो अकाउंट होगा यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस मैंने फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे साइन इन करके दिखाऊंगा। आपको सिंपली इसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये अकाउंट आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए मेरे को मेरा कॉइन पुट का बैलेंस दिखाएगा, मेरे पास अभी 17,780 आसपास पड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे को यहाँ पे दिखाएगा कि कितना अमाउंट है जिसको मैं यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। मेरे पास अभी 28 सतोसी हैं तो इसको मुझे क्लेम करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लेम नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको काम कैसे करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को आपको सॉल्व करना है। काफ़ी आसान है गाइस, कोई आपके सामने एक्स्ट्रा टैब ओपन नहीं आएंगे क्योंकि कई सारे साइडें होती हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा टैब ओपन होकर आ जाते हैं। ठीक है तो आपको यहाँ पे ये जो ह्यूमन वेरिफिकेशन कैप्चा होगा उसको आपको सॉल्व करना है और जैसे ही आपका सॉल्व हो जाता है इसके बाद आपको यहाँ पे क्लेम पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लेम पे क्लिक करते हैं तो ये जो फंड होगा, ओके जो भी मैंने अमाउंट अर्न किया है ये आप देख सकते हैं, ये मेरे को दिखा रहा है कि 50% तक का जो रेफरल कमीशन है वो मेरे को मिलेगा। इसके अलावा ये जो फोसेट था मैंने क्लेम कर लिया है और गाइस ये जो अमाउंट है ये मेरे वॉलेट में ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विट फंड की तरफ से मेरे को मैसेज आया है कि फंड मेरे को रिसीव हुआ है। अभी मेरे को ये बैलेंस को चेकआउट करने के लिए करना क्या है, इस पेज को रिफ्रेश करना है। ठीक है तो यहाँ पे जो टोकन होंगे मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, इसके अलावा जो सतोसी मैंने क्लेम किया है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ये दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने पेज को रिफ्रेश किया हुआ है और ये जो टोकन है मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे को एक क्लेम पे 3 टोकन रिसीव हुए हैं, 3 कॉइन पुट टोकन मैंने एक क्लेम किया प्लस मुझे 28 सतोसी रिसीव हुए हैं। और इसी तरीके से अगर मैं रेगुलर यहाँ पे 100 फोसेट क्लेम करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जो है 100 कॉइन पुट टोकन इस तरीके से रिसीव होंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको जो बताया था मैंने पहली साइट के बारे में जिसका नाम था विट फन, इसी तरीके से गाइस यहाँ पे सेकंड साइड है मून बिटकॉइन। ओके इससे भी आपको सेम मिलेगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है ये दूसरी साइड का एग्जांपल दूंगा क्योंकि कई सारी साइड यहाँ पे लिस्ट करी है, सब में आपको सेम काम करना है, सेम वर्क है आपका। ओके तो आपको अगली साइड पे जाना है मून बिटकॉइन, इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मून बिटकॉइन में तो आपके सामने मून बिटकॉइन का जो साइड है इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अभी आपको करना क्या है ज्वाइन करने के लिए, जो आपने मेल आईडी सबमिट की थी कॉइन पुट के अकाउंट में वही मेल आईडी आपको यहाँ पे यूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉइन पुट ईमेल एड्रेस यहाँ पे सबमिट करिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो सबमिट करना है और आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से गाइस आपका जो अकाउंट है यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो अभी आपको साइन इन पे क्लिक करना है, इसके बाद ये कैप्चा होगा इसको आपको सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई भी बंदा इसको कर सकता है, इतना आसान काम है। जैसे ही आपका कैप्चा सॉल्व हो जाएगा आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे टाइमर इसका एक ऑटोमेटिक चलेगा। दोस्तों यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको एवरी 5 मिनट में आना है, जब भी आपको समय मिलता है तब भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसने लिखा है कि एवरी 5 मिनट में आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ बोनस भी मिलते हैं। फिलहाल हमारे पास जो सतोसी है इसको हमें रिसीव करने के लिए इसमें क्लेम नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे कुछ बैलेंस मेरे को दिखा रहा है कि इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो अभी मैं अर्निंग करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लेम नाउ पे क्लिक करूंगा। दोस्तों जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे एक कैप्चा ओपन होकर आ जाएगा, इसको मुझे सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस है, काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल तरीके से बहुत ही यूजर फ्रेंडली यहाँ पे डैशबोर्ड रखा गया है।
दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका कैप्चा सॉल्व हो जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, खुद काम करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको काम करना है, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है यहाँ पे जीरो हो चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कॉइनपुट के अकाउंट में। सो गाइस यहाँ पे हम अपने कॉइनपुट के अकाउंट में आ चुके हैं। अभी हमें अर्निंग चेक करने के लिए करना क्या है, पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बैलेंस है ये मेरे उसमें ऐड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे जब आप फोसेट क्लेम करते हैं तो जो भी बैलेंस आपका रहता है ये आपको इंक्रीज होकर मिलता है। मैंने वहाँ पे 18 सतोसी क्लेम किया था, मुझे 32 सतोसी रिसीव हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे को यहाँ पे कॉइन पुट के 3 टोकन भी रिसीव हुए हैं। तो गाइस इसी तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है, आपको सिंपली यहाँ पे साइड में आना है और क्लेम करना है। जो भी सतोसी आप क्लेम करेंगे वो आप इसी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये दो साइडें थी बिटकॉइन की जिन पे आप क्लेम कर सकते हैं बिटकॉइन। इसके अलावा सेम इसी तरीके से आपको कई सारी साइडें मिलेंगी, जैसे कि मून बिटकॉइन कैश, इसमें आपको बिटकॉइन कैश मिलेगा, मून लाइट कॉइन। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ लाइट कॉइन का कि किस तरीके से आपको लाइट कॉइन जो है रिसीव होगा। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे ये जो बैनर होगा इसमें आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये जो मून लाइट कॉइन की साइड है ये आपको लाइट कॉइन पर अर्निंग प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ फोसेट अमाउंट पड़ा हुआ है। और गाइस आपको सेम उसी तरीके से यहाँ पे साइनअप करना है, उसी मेल आईडी से आपको ज्वाइन करना है, जैसे मैंने आपको बताया था मून बिटकॉइन पे और बिटफन पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लेम नाउ पे क्लिक करना है इस अर्निंग को क्लेम करने के लिए। जैसे ही आप क्लेम पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कैप्चा ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, इसको आपको वेरीफाई करना है। और जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाता है कैप्चा, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो फंड था ये यहाँ से सबमिट हो चुका है मेरे अकाउंट में। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वॉलेट में। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस को चेकआउट करने के लिए आपको फिर से पेज को रिफ्रेश करना है, और ये जो आपका लाइट कॉइन था ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो फंड था यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कॉइन पुट टोकन थे ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता ज़्यादा, और वो लोग समझ नहीं पाते इस पूरे कॉन्सेप्ट को, और वो फिर बाद में घबरा जाता है कि काम कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस जो मेरे पास मून लाइट कॉइन का जो ऑप्शन था, ठीक है, जो मैंने लाइट कॉइन क्लेम किया था ये मेरे को मिल चुका है और ये इंक्रीज होके मेरे को मिला है। तो इसी तरीके से गाइस हर बार जो अमाउंट होता है आपको एक्स्ट्रा बोनस के साथ रिसीव होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे कॉइन पुट के 3 टोकन मिले हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, फ्री में देखिए आपको काफ़ी सारी करेंसी मिल रही है और काफ़ी हाई लेवल का अमाउंट आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। दोस्तों इसके बाद अगर आप चाहें तो फिर से क्लेम कर सकते हैं इस लाइट कॉइन के अमाउंट को। यहाँ पे इसी तरीके से आपका ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो फोसेड होता है, ठीक है, उसको आप एवरी 5 मिनट में यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से और भी कई सारी साइड है यहाँ पे, जैसे कि मून डैश कॉइन, ओके डैश कॉइन आप अर्न कर सकते हैं, और मून डॉज कॉइन। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे डॉज कॉइन का, और यहाँ पे जो बाकी की फोसेट साइड है उन पे आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको डैश कॉइन अर्न करना है तो डैश कॉइन पे आप जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मून डॉज कॉइन का दिखाऊंगा, इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिंपली ये जो बैनर है इसमें आपको क्लिक करना है ज्वाइन करने के लिए, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने अकाउंट ओपन होकर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे भी आपको सेम मेल आईडी से साइन इन करना है जैसे आपने मून बिटकॉइन पे किया था। ठीक है, इसके बाद ये जो अमाउंट होगा आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। मेरे पास अभी 0.35 डॉज कॉइन है। क्लेम करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे क्लेम नाउ का ऑप्शन होगा, इसमें आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने सेम कैप्चा आ जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे जैसे ही आपका कैप्चा सॉल्व हो जाता है इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान है यहाँ पे अर्निंग करना और कितने आसान तरीके से मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ। सो गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं, ये जो बैलेंस था मेरा यहाँ से सबमिट हो चुका है मेरे वॉलेट में। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। मैंने जो अमाउंट क्लेम किया था वो लगभग 0.35 के आसपास था, और ये जो अमाउंट होगा मेरे को इंक्रीज होकर मिला है। यहाँ पे देखिए 0.38 के आसपास का अमाउंट मुझे मिला है, और अभी मुझे इसे क्लियर देखने के लिए इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो कॉइन पुट का अमाउंट है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और डॉज कॉइन भी यहाँ पे इंक्रीज होकर आपको दिखेगा। सो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ये जो बैलेंस था मेरा सबमिट हो चुका है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे को जो है मून डॉज कॉइन मिला है 0.38 के आसपास, और फिर से मेरे को टोकन रिसीव हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे कितना आसान है और कितने आसान तरीके से मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों यही तरीका है यहाँ पे अर्निंग करने का। ये जो फोसेट मैंने आपको बताए हैं, जितनी भी लिस्टें यहाँ पे आपको मिलेंगी इन पे आपको विजिट करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको क्लेम करना है, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो गाइज ये जो ब्लॉग है इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप इसमें विजिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है। जो भी साइड मैंने यहाँ पे लिस्ट करी गाइज ये आपको 100% पेमेंट देती है, और इंस्टेंट आपके बैलेंस में ऐड भी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस भी दिखाया कि किस तरीके से आपका ये बैलेंस आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो कॉइन पुट टोकन आपने अर्न किए थे
इसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मान लो ये जो कॉइनपुट टोकन है इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ बिटकॉइन पे, तो सिंपली मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे क्लिक करूँगा ये जो ऑप्शन है, और यहाँ पे क्लिक करूँगा कन्वर्ट टोकन पे। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कन्वर्ट करने का। अभी इस समय देख सकते हैं कन्वर्सन रेट मेरे को दिखा रहा है 2.7 सतोसी। ओके ये 2 सतोसी है, इसके बाद ये पॉइंट में गिना जाएगा क्योंकि ये लिमिट से क्रॉस हो चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ पे ये टोकन दिखा रहा है अमाउंट का, तो मुझे यहाँ पे सबमिट करना है टोकन। ओके तो मान लो मैं यहाँ पे 200 टोकन कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे लगभग 500 के आसपास सतोसी मिलेगा। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 250 करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 600 के आसपास सतोसी मिलेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे सबमिट करना है अमाउंट को, जो टोकन आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इसके बाद आपको पासवर्ड सबमिट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको बिटकॉइन के अलावा और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे आप बिटकॉइन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉज कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट कॉइन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और डैश कॉइन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बिटकॉइन का ऑप्शन चूज करूंगा, और अभी मैं कन्वर्ट पर क्लिक करूंगा, तो ये जो अमाउंट होगा मेरा यहाँ पे, मेरे से पूछेगा कि आपको कन्वर्ट करना है, तो मेरे को यहाँ पे कन्फर्म करना है। इसके बाद मेरा भी जो बैलेंस होगा ये अपडेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बैलेंस यहाँ से कट चुका है। अभी मेरे को क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है, अकाउंट में जाना है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये जो टोकन थे मेरे यहाँ पे माइनस हो चुके हैं, और मेरा जो बैलेंस था बिटकॉइन का ये इंक्रीज हो चुका है। नीचे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए मेरे को जो कॉइन पुट के टोकन थे इनके बदले में बिटकॉइन जो है रिसीव हुए सतोसी में 676 के आसपास, और माइनस हुए हैं 250 टोकन। ओके तो गाइस इस तरीके से ये जो कॉइन पुट के टोकन थे इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अर्निंग करना है, पूरा मैंने सिक्वल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, और उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। सो गाइस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, जिसमें आप काम करके काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे। तो गाइस जल्दी से यहाँ पे अपना अकाउंट बना लीजिए, और ये जो भी फोसेड होते हैं इन पर आप क्लेम करिए, और अगर आप रेफर करना चाहते हैं किसी भी मेंबर को, तो आपको यहाँ पे कोई रेफर लिंक नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको यहाँ पे फोसेट की साइटें बताई हुई हैं इन पे आपको रेफर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको बिटफेन का रेफर लिंक मिल जाएगा, मून बिटकॉइन का मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसी तरीके से पेज बनाइए जैसे मैंने यहाँ पे पेज बनाया हुआ है खुद का। ओके आप भी यहाँ पे अपना एक पोस्ट बनाइए, अपना ब्लॉग बनाइए, उस पर ये अपडेट करिए, और किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं फ्री में ये लोगों को बताइए, और उन्हें भी अर्निंग करना सिखाइए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर पाएंगे। दोस्तों आज का ये अपडेट था कॉइन पुट के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके से अपडेट में दे पाऊँ। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड, थैंक यू, गुड लक एंड स्मार्ट रनिंग।